इंडस्ट्री में महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों में आज भी 78 की उम्र में भी अपने अलग जलवे के लिए जाना जाता है। 102 नॉट आउट में जिस तरह से 102 वर्षीय पिता का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन, लोग यही जानते हैं कि अमिताभ को दिल से हर तरह के एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं तो काफी दुखी हैं। पैंडेमिक में अमिताभ बच्चन ने 1 महीने हॉस्पिटल में गुजारा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ पैंडेमिक में कोविड-19 को हराने की दवाई लाने का, उससे इतना ज्यादा शोक में है अमिताभ बच्चन कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते हैं वो। यही कारण है कि अपने पहले ही एक परिवार के सदस्य को होने के बाद दोबारा इस बीमारी का सामना ना करने का फैसला लेते हुए अमिताभ ने बड़ी खबर दी है कि इस साल बच्चन परिवार के आलिशान बंगला जलसा में दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी। श्वेता नंदा बच्चन जो अमिताभ की इकलौती बेटी है, उनकी शादी स्कॉट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑनर यानी कि निखिल नंदा के साथ हुई, और इस शादी के बाद कपूर परिवार और नंदा परिवार जो एकजुट है, यानी कि ऋषि कपूर के जो भतीजे हैं निखिल नंदा, उनकी जब पत्नी बनी श्वेता तो बच्चन परिवार से सीधा कनेक्शन हुआ ऋषि कपूर का, रिश्तेदार के तौर पर, सभी के तौर पर। ऐसे में ऋषि कपूर तो रिश्तेदार अमिताभ के थे ही, लेकिन उनके छोटे भाई की तरह जिन्हें वो हमेशा काम करते देखते थे 70-80 के दशक में, उस ऋषि कपूर को अपने मित्र को, अपने ऑन स्क्रीन बेटे को खोने में अमिताभ को कितनी चोट हुई, कितनी तकलीफ हुई। सुशांत के गुजरने पर जो हाल हुआ और ड्रग केस की वजह से जितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने झेली, उन सब का असर अमिताभ पर बुरा पड़ा है, जिसके कारण दिवाली पार्टी ना करने का फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि पूरी तरह से तबाह है इंडस्ट्री ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के मामले में। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।